नमस्कार, आज हम बनाएंगे सूजी की क्रंची बर्फी। ये बन तो झटपट जाती है, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ 2 महीने से भी ज़्यादा है, यानी त्यौहार पर इसे 15 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे। पैन गरम कर लेते हैं। पैन में हम घी डाल देंगे। हमने 1/2 कप घी लिया है। घी मेल्ट हो गया है, हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को लगातार चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। सूजी का कलर हल्का ब्राउन हो गया है, अच्छी महक आ रही है। सूजी को भूनने में हमें 11 मिनट लगे हैं। अब हम बर्फी के लिए चाशनी बनाएंगे। ये हमने 3/4 कप चीनी ली है। चीनी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा ले सकते हैं। हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और पहले तो हम चाशनी को चीनी घुलने तक पकने देते हैं। और ये हम बर्फी जमाने के लिए प्लेट तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना कर देंगे। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है। अब हम इसमें ये भुनी हुई सूजी डालेंगे। गैस धीमी कर देंगे। इसे बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। ये हमने 10-12 काजू काट कर ले लिए थे, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और 4 छोटी इलायची का पाउडर बनाया था, ये भी डाल देते हैं। मिश्रण काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा मिश्रण हम प्याली में गिरा लें। ये ठंडा होकर एकदम गोली की तरीके से तैयार हो रहा है, बर्फी जमकर तैयार हो जाएगी। तो गैस हम बंद कर देते हैं और बर्फी के मिश्रण को यहीं पर थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा करते हैं। तो अभी ये काफ़ी हमें गाढ़ा दिख रहा है, टेक्सचर भी चेंज हो गया पहले से। बर्फी जमने के लिए तैयार है। हम इसे एक जैसा फैला देंगे। अब हम बर्फी के ऊपर थोड़ा सा कतरे हुए बादाम डालेंगे। इसे हम चम्मच से थोड़ा दबा देंगे ताकि ये बर्फी में फिक्स हो जाए। और अब इसे ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, बर्फी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। हम इसमें काटने के लिए निशान डाल देंगे। तो बर्फी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी या अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। बर्फी जम चुकी है। सूजी की बर्फी बहुत जल्द जमकर तैयार हो जाती है। हम इसके पीसेस अलग कर लेते हैं। बहुत टेस्टी बर्फी बनी है, बड़ी आसानी से बहुत जल्द बन गई है। इसे बनाने में कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे 2 महीने तक खाते रहिए, बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।